What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 23 अक्टूबर 2019 वेनसडे सुबह के 8:20 हो रहे हैं। आज दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल हमने देखा निफ्टी में 6 दिन के तेजी के बाद एक गिरावट देखने को मिली, तो हो सकता है ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि इसी लेवल के पास 11,700 के पास हमें लास्ट 2 times भी एक करेक्शन देखने को मिला था, एक फॉल देखने को मिला था। तो लेकिन अगर ये 11,700 के ऊपर निकल जाता है तो ही हमें यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है। कल हमने एक पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था, उसका नेक लाइन ब्रेक नहीं हुआ है कप एंड हैंडल पैटर्न का। तो आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं ये आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कल का जो एनालिसिस किया था उसका एक क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। यह कल का पिक्चर है, यानी हमने कल यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल को आइडेंटिफाई किया था 11,685 और ब्रेकडाउन लेवल को आइडेंटिफाई किया था 11,633, और ये हमारे फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट थे ऊपर अगर निफ्टी मूव करता है तो, और नीचे की तरफ अगर मूव करता है तो 11,611 और 11,590 ये हमारे टूवर्ड साउथ की तरफ टारगेट्स थे। अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल ये 10 मिनट का चार्ट है, ये 22 अक्टूबर कल का। तो कल 11,685 हमारा ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद ये फर्स्ट टारगेट 11,700 भी अचीव हुआ और सेकंड टारगेट 11,713 एग्जैक्ट अचीव हुआ, और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लेके टूवर्ड साउथ की तरफ मुंह दिखाया। और जैसे ही हमारा ब्रेक डाउन लेवल भी ब्रेक हुआ यहाँ पर 11,633, तो नीचे की तरफ 11,611 फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट 11,590 एग्जैक्ट हमारा अचीव हुआ, और इसी के पास निफ्टी इंडेक्स का क्लोज हुआ। तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल कल साबित हुए। तो यह था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक में दबाव देखने को मिला, लाल निशान में बंद हुए। यूरोपियन मार्केट देखे तो वहाँ पर हल्का सा पॉजिटिवनेस देखने को मिला था, हल्की सी बढ़त के साथ कल बंद हुए। और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं, हालांकि जापानीज इंडेक्स हल्की सी बढ़त दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी 61 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, और SGX निफ्टी एक कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। उससे पहले ये जो ट्रेडिंग फैब का एक ऑफर है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। ट्रेडिंग फैब ऑथोराइज पार्टनर है ZERODHA, अपस्टॉक्स और 5paisa का। अगर आप तीनों में से कोई एक अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते तो हमारे जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको फ्री में मिल सकती है। आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है, इन तीनों में से कोई एक अकाउंट ओपन करना है, और जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आपको हमें कॉल करके हमें क्लाइंट आईडी कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। अपस्टॉक्स और 5paisa में अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, और अपस्टॉक्स का एक ऑफर चल रहा है। अगर आप अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करते तो आपको पार्टनर 300 ये प्रोमो कोड यूज करना है ताकि आपको 300 रुपीज का ब्रोकरेज एब्सोल्युटली फ्री मिल सके। तो ये एक ऑफर है अपस्टॉक्स की तरफ से, 31 अक्टूबर तक ही है, तो जल्दी कीजिए। इन तीनों में से कोई एक अकाउंट आप ओपन करते तो आपको लाइफ टाइम इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप भी मिल सकती है। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह वीकली चार्ट, यहाँ पर हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था ये ऐसे। तो यहाँ पर 61.8% का ये जो लेवल है यहाँ पर थोड़ा तकलीफ दे रहा है निफ्टी इंडेक्स को। यहाँ पर हमने देखा था कप एंड हैंडल फॉर्मेशन को, यहाँ पर हमने देखा था ये इसका कप साइड का एरिया, ये इसके हैंडल का एरिया। लेकिन अभी इसका ये जो नेकलाइन है इसका ब्रेकआउट मिलना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर अगर ये ब्रेकआउट मिलता है, इसके ऊपर कोई डिसीजिव मूव आती है तो ही हमें 12,000 के लेवल्स यहाँ पर अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। डेली चार्ट में देखें तो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं ये एक, ये दो, अभी ये तीसरी बार, ये थर्ड अटेम्प है 11,700 के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो इसके ऊपर कोई डिसीजिव मूव आता है तो ही हमें 12,000 के लेवल यहाँ पर अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं।
अभी फिलहाल अगर वीकली चार्ट में देखें तो 61.8% का ये जो हमने प्रोजेक्ट किया था ये लेवल, ये ऑलमोस्ट यहाँ पर कल अचीव हुआ था। कल का हाई 11,714 का था, तो यहाँ पर इन लेवल्स के ऊपर अभी अगर कोई डिसीजिव मूव होता है तो ही यहाँ से अपसाइड रैली कंटिन्यू हो सकती है। सपोर्टिव इंडिकेटर्स दोनों भी पॉजिटिव है। डेली चार्ट की अगर बात करें तो अगर यहाँ से ये करेक्शन अगर और गहराता है तो नीचे क्या लेवल्स हो सकते हैं, क्या प्रोजेक्शन हो सकता है लेवल्स के लिए, तो इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम ड्रॉ करेंगे। कल देख सकते हैं ऑलमोस्ट इसने 23.6% का ये लेवल अचीव किया था। अगर ये 11,567 के नीचे अगर चला जाता है तो नेक्स्ट 38.2% का लेवल यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकते हैं, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये जो गैप क्रिएट हुआ था पास्ट में, ये गैप इसका ये जो ऊपर का बैंड है 11,473, ये ऑलमोस्ट 38.2% के पास आ रहा है, तो यहाँ पर एक स्ट्रांग सपोर्ट हो सकता है ये 38.2% का 11,475। अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे हमें 20 EMA तक निफ्टी इंडेक्स वैसे एक बार करेक्शन यहाँ तक पहुँचता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये है डेली और वीकली चार्ट का अभी तक का सिनेरियो। चलते 60 मिनट के चार्ट में क्विकली आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकती है आइडेंटिफाई करेंगे। अगर निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो ये जो लो है कल का, ये अगर ब्रेक होता है 11,573 तो ही हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, एक क्विकली टारगेट होगा यहाँ पर हमारा 11,005। ये जो हाई है इसका, ये जो कैंडल का 11,554, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा यहाँ पर ये पिवट पॉइंट का इस वन का लेवल जो कि 11,536 के पास है, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर बढ़ता है तो हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा 11,610, ये लास्ट हाफ एन आवर का ये जो बेयरिश कैंडल का हाई है, ये अगर ब्रेक होता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये पिवट पॉइंट का लेवल 11,625, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा ये 11,641, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर इसे मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिपल टॉप पैटर्न बन रहा है, ये फर्स्ट टॉप, ये सेकंड टॉप और ये थर्ड टॉप, तो ये बियरिश पैटर्न है, ट्रिपल टॉप पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, तो चांसेस है और भी साउथ की तरफ हमें निफ्टी इंडेक्स करेक्शन दिखाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।